जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी। पीपर लीग पे अब क्या कसा जा रहा है? लगाम कसा जा रहा है। और आपको क्या करना है? तैयारी करना है अपने आप में। और यह एक्सक्यूज अब नहीं चलेगा कि पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन आउट था और हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या होता है, अमूनता छात्र बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक की जो न्यूज आती है उससे क्या होते हैं, परीक्षार्थी अभ्यर्थी डिस्करेज हो जाते हैं और अपना मन क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। और यह छोटा करना जरूरी है, लाजमी है, और यह आपके संघर्षों और प्रयासों का नतीजा है कि सरकार क्या कर रही है, स्टूडेंट के हितों में सरकार आपके हितों को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। कि क्योंकि देखिए, अब तक केंद्र लेवल पे, सेंटर लेवल पर कोई ऐसा कानून, अच्छा सुदृढ़ कानून या स्ट्रांग कानून नहीं था, तो आज के बाद यह जो है लोकसभा में पेपर बिल क्या हुआ है, पास हुआ है। पेपर लीक बिल जो है पास हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल यानी परीक्षा का जो है लोक परीक्षा बिल क्या किया गया है, लोकसभा में पारित किया गया है। और अमूनता समझिए कि एक बार जो एग्जाम होता है, स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए तैयारी करता है, दिन रात झोंकता है, अपने आप को लगाता है, कठिन परिश्रम करता है, उसके बाद कहां पहुंचता है, एग्जाम सेंटर में पहुंचता है। बात इतनी सी नहीं है कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, बात यहां पे क्या है, तन मन और धन भी लगा हुआ है। धन की अगर बात करें तो अगर आपका एग्जाम अगर नियरेस्ट सिटी में है तो 200-300 तो भाड़ा लगेगा ही लगेगा। अगर कोई इंटर स्टेट लेवल का अगर सेंटर है तो सोचिए कि 500 से 600 रुपया किराया होगा कम से कम। अगर हम कम से कम भी जोड़ें तो 1000 रुपया आपको किराया में लगेगा एक तरफ का। अगर दोनों तरफ का किराया जोड़ा जाए तो 2000 रुपया। अगर वहां एक रात स्टे करते हैं, किसी होटल या धर्मशाला भी लेते हैं, तो 2 से 3 हजार आपको वहां रहने और खाने का खर्च जरूर से जरूर बैठेगा। और जब यह सारा प्रक्रम होता है तो 3 से 4 से 5 हजार रुपए की राशि जो है स्टूडेंट के पॉकेट से या स्टूडेंट के गार्जियन के ऊपर गिरती है। और जब आप एग्जाम देकर के आते हैं, सालों महीनों का मेहनत लगा करके एग्जाम देकर के आते हैं, पता क्या चलता है कि क्वेश्चन आउट था। क्वेश्चन क्या था, आउट था। पेपर क्या था, लीक था ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है, तन मन धन और सभी चीजों की क्या है, बर्बादी होती है। स्टूडेंट अपना क्या सोचता है कि चलिए मेरा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर ऑलरेडी लीक था, कहीं हैक कर लिया गया था सिस्टम को। और जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो इस व्यवस्था में है, वो भी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। तो यह जो है सरकार, यह जो भारत सरकार है, वह क्या कि इस चीज के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा कानून लेकर के आई है। हाल ही के दिनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में भी पेपर क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। जैसे कि बिहार है, राजस्थान है और झारखंड का भी अभी एग्जाम लेते हैं, तो लोकसभा आयोग का भी क्वेश्चन क्या था, झारखंड का भी क्या था, क्वेश्चन आउट हो गया था। तो सोचिए कि जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे सालों से चला रहा है। और यह जो बिजनेस है वह करोड़ों अरबों का क्या है, यह बिजनेस है। यह पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है जो एक बड़ी स्टेयर्स के बाद स्टेयर्स बाई स्टेयर क्या है, फैला हुआ है। और इसको साधना, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उस लोगों को ही साधने का कोशिश नहीं किया गया, साथ ही साथ इन लोगों पे भी नकेल कसा गया है, इन लोगों पे भी कब्जा करने का कोशिश किया गया है। कि जो लोग इसमें शामिल है या जो इंस्टीट्यूशन है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अगर वो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो उनसे पूरी परीक्षा का, जो भी परीक्षा को संचालित करने में जो भी कॉस्ट लगा है, जो भी खर्चा हुआ है, वह भी वसूला जाएगा। 10 साल की सजा होगी, 4 साल तक के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ यह तो वसूला ही वसूला जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट को राहत दिया गया है। जो स्टूडेंट है, जो लास्ट एज के, जैसे जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो परीक्षा में अपीयर होने वाले छात्र हैं, उसको इस मामले में राहत दी गई है। लेकिन बोरो कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी इंडिविजुअल सरकारी ऑफिशियल्स भी अगर इस मामले में लिप्त पाए गए, तो उनके ऊपर भी 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, उनको भी दोषी ठहराया गया जाएगा और उनपे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और यहां पे ऐसा नहीं है कि यह जो है लेवल का जो जांच होगा वह कोई छोटे लेवल के अधिकारी करेंगे, नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो क्या होगा, केंद्रीय एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि
हायर अथॉरिटी को भी शामिल किया जाएगा, और मिनिमम मिनिमम जो है केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को इसके जांच करने के लिए सौंप सकती है। साथ ही साथ उपाधीक्षक लेवल का या सहायक पुलिस आयुक्त लेवल का ही ऑफिशियल इसको क्या करेगा, जांच करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 फरवरी का न्यूज है और इसको लोकसभा में पारित किया गया, अब राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद इसको बिल बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, केंद्र सरकार जब बिल बनाएगी तो यह कहां जाएगा, राज्य सरकार से भी यह क्या किया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, उनको भी सिफारिश भेजी जाएगी कि आप भी सिमिलर गाइडलाइन पे इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि असम में हम लोग देख रहे हैं कि असम में यह बिल करीब करीब वहां भी पास किया जा चुका है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब लगन से तैयारी करिए और क्या करिए, परीक्षा में सफल नंबरों से उत्तीर्ण करिए, अपने साहसिक कदम को आगे बढ़ाते रहिए। ऐसा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करिए, अपने मन को बुलंद करिए, हौसला बुलंद करिए। ऐसा ना हो कि आप इन सारी न्यूजों से हतोत्साहित हो और कहें कि पेपर लीक हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, सरकार और एजेंसियां काम करेगी ही करेगी, आपको बस एक सीट लाना है। जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड भी क्या किया है, अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, साथ ही साथ विभिन्न स्टेट्स में भी बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है, तो आपको बस एक सीट लाना है। यह सोच करके आप तैयारी करिए, सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ ज्ञानतु पे बिहार एसएससी के लिए, बिहार का इंटर स्तरीय लेवल का जो परीक्षा चल रहा है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच लाया गया है, बहुत ही बेहतरीन बैच लाया गया है और यह अभी क्या है यूट्यूब पे चल रहा है और इसके वेबसाइट ज्ञानतु.com पे भी चल रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए और बेहतरीन टीचर है उनसे जुड़िए, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस के बेहतरीन टीचर के साथ यह बैच अपना क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को लाभान्वित कर रहा है। आप भी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।